करता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। दिल्ली से करीब 80-90 किलोमीटर पर नू आज जल रहा है। कल जो हिंसा हुई वो एक ऐसी सांप्रदायिक हिंसा है जो कि कितने सालों के बाद हुई है। अगर मैं नू की बात करूं तो नू डिस्ट्रिक्ट 2016 में बना था, उससे पहले 2005 में इसको मेवात डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था। यह डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से जुड़ा हुआ है, फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, पलवल से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ अलवर से जुड़ा हुआ है। कल जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है वो एक शोभा यात्रा को निकालने के साथ हुई है और जिसमें कहीं ना कहीं पे अगर मैं बात करूं तो विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता जो कि मोनू मानेसर, वो पहले भी दो हत्याओं के अंदर जो है फरार चल रहे थे, उन्होंने अपनी एक वीडियो जारी करके लोगों को एक तरीके से बुलावा दिया और कितनी गाड़ियां जली हैं उसमें, इवन साइबर का जो पुलिस स्टेशन था उसको भी जला दिया गया। जय गो माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की जय हो, जय हो। SHO की गाड़ियां जला दी गई, DSP घायल हैं, SHO घायल हैं, दो होमगार्ड के गार्डों की जान जा चुकी है, उनको मेजांता हॉस्पिटल लाया गया लेकिन नहीं बचाया जा सका। हजारों की संख्या में आज वहां पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और अगर मैं बात करूं नू डिस्ट्रिक्ट की तो इसके चार सब डिवीजन हैं। अगर चार सब डिवीजन में नू आता है, फिरोजपुर झिरका आता है, ताबू आता है, पुनवाना आता है, तो ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं और इनकी जो सांसद की सीट आती है वो गुड़गांव से आती है। टोटल 10 लाख के करीब की पॉपुलेशन है, एरिया भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई कमी है तो हमेशा यहाँ पे गौवध को लेकर ये डिस्ट्रिक्ट काफी सुर्खियों में रहता है। अभी आपने पहले देखा होगा कि करीब 5,000 पुलिस पर्सनल ने वहां जाकर एक रेड करी थी साइबर क्राइम के लिए। 5,000 पुलिस पर्सनल, अगर आप देखें 10 लाख की पॉपुलेशन में 5 लाख आदमियों को पुलिस वहां डिप्लॉय करनी पड़ी, प्रशासन को जो है कड़े कदम उठाने पड़े। लेकिन जो कल की हिंसा हुई है वो अपने आप में एक दर्दनाक है और ये सांप्रदायिक हिंसा क्या रूप ले गई ये किसी को भी नहीं पता। अनजान लोगों की भी गाड़ियां जली हैं, पुलिस के थानों को फूंक दिया गया है और कई घंटों तक वहां पर पुलिस एक तरीके से नदारद रही। पत्थरबाजी की घटना प्री प्लान्ड थी। अगर हम बात करें तो प्री प्लान्ड इस घटना को पहले से ही अंजाम दिया गया और गाड़ियों के अंदर पत्थर थे, कुछ गाड़ियों के अंदर से लोग लाठी और तलवारें लेके भी निकलते हुए दिखाई दिए। किस तरीके का माहौल था जबकि इस शोभा यात्रा की विश्व हिंदू परिषद और कुछ और संगठनों ने आज से 6 महीने पहले परमिशन ली थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने करीब 600 से भी अधिक पुलिस पर्सनल इस शोभा यात्रा के लिए लगाए थे, लेकिन जिस टाइम ये दंगे हुए उस टाइम कि अगर कुछ वीडियो जो सामने आ रही हैं उसमें पुलिस वहां पर कहीं नजर नहीं आ रही। उसके बाद हरियाणा राज्य सरकार के गृह मंत्री मिस्टर विज ने एक प्रेस स्टेटमेंट भी दी है, उसमें उन्होंने सेंटर से भी मदद मांगी है और आसपास के डिस्ट्रिक्टों से भी पुलिस बल वहां पर डिप्लॉय किया गया है। हमारा प्राइमरी जो उद्देश्य है वो है वहाँ पर शांति कायम करना और ये जो वहाँ पर हालात हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना। अभी तो हम अपनी फोर्स को भेज रहे हैं कि भाई अगर कहीं कोई लोग घिरे हुए हैं या लोगों को रोका गया है तो वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण नहीं किया जाए। CMO पलवल को भी मैंने कहा है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से, अगर कोई जख्मी वहाँ पर कुछ लोग आए हैं तो बता रहे हैं,
तो उनके ऊपर इमीडिएटली मेडिकल हेल्प दी जाए और कुछ लोगों को नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में भी शिफ्ट किया गया। धारा 144 लागू कर दी गई है और इवन ये आग पास के सोना तक भी पहुंच गई थी। अब हालात धीरे धीरे शायद संतुलन में आए। कई चीजें जो है इस दंगे को दर्शाती हैं कि किस तरीके से ये मॉब हमारे देश के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी है उनको किस तरीके से डैमेज करता है। अगर मोनू मानेसर पर शुरू में ही कार्रवाई हो जाती तो हो सकता है कि आज कितनी बड़ी घटना से कहीं ना कहीं बचा जा सकता था। उसने अपनी एक वीडियो जारी कर खुद इस शोभा यात्रा में शामिल होने की बात कही है। देर रात तक जो लोग मंदिर में फंसे हुए थे या जिन्होंने पुलिस लाइन के अंदर शरण ली थी उनको धीरे धीरे एयरलिफ्ट करके निकाला गया है। लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं है। धारा 144 लगी हुई है। आसपास के गुड़गांवा, फरीदाबाद और ये आसपास के जितने भी राज्य पढ़ते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे पढ़ते हैं, उनमें स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चाहे प्राइवेट स्कूल हों, सरकारी स्कूल हों, उनको बंद कर दिया गया है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात कब तक सामान्य होते हैं ये भी देखने की बात है। तो दोस्तों, कई दफ़ा देखा गया है कि अब ये भीड़ किस तरीके से, चाहे वो शांति जुलूस हो, चाहे वो किसी भी तरीके की शोभा यात्रा हो, इन शोभा यात्राओं का एक तरीके से गलत इस्तेमाल कर इसको सांप्रदायिक दंगों में कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी मिस्टर चौधरी जो कि अगर बरेली के अंदर वो दंगा रोकने में कामयाब हो गए थे तो उनका ट्रांसफर भी पुलिस सिविल लाइन के अंदर कर दिया गया है। जो अफसर अगर आज कड़ाई से इन चीज़ों का पालन करते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं गाज भी गिरती रहती है। नू का ये दंगा अपने आप में एक प्रायोजित दंगा था। हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी मैं बात करूं हरियाणा की, अगर वो इंटेलिजेंस है तो उसका कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा फेल्योर है। अगर इतना बड़ा जुलूस निकाला जा रहा था, इतनी बड़ी शोभा यात्रा थी, तो क्या प्रॉपर पुलिस बल वहाँ पे नहीं मौजूद होना चाहिए था? और अगर पुलिस बल मौजूद नहीं भी था तो अगर पास के डिस्ट्रिक्टों की मैं बात करूं, गुड़गांवा की मैं बात करूं, पलवल की बात करूं, फरीदाबाद की बात करूं, तो 15 मिनट से 20 मिनट से ज्यादा का डिस्टेंस कहीं पे भी नहीं है। अगर पुलिस वहां पे टाइम पे पहुंचती तो वो अपने व्हीकलों को भी बचा सकती थी और दो जान। अगर उन होम गार्ड की मैं बात करूं तो आज उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। दंगे के अंदर हमेशा निर्दोष लोग मारे जाते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो ये मॉब इकट्ठा करते हैं, वो अपने घरों में बैठकर सिर्फ डिक्टेट करते हैं, लोगों को एक तरीके से भड़काते हैं। आज नू जल रहा है, ये आग आगे ना फैले, इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। और जो कमिश्नर हैं उन्होंने भी दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर बातचीत करी है। उसका कितना हल निकलता है ये आगे आने वाला समय बताएगा। और ये हमारे देश के लिए जो सांप्रदायिक दंगे धीरे धीरे कभी मणिपुर में हो रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, कभी हरियाणा में हो रहे हैं या किसी भी राज्य में हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे एक सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त करते हैं। तो हम कामना करते हैं कि बहुत जल्दी ही सोना, नू और इन आसपास के डिस्ट्रिक्टों के अंदर शांति बहाल होगी। नमस्कार दोस्तों।